देयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इम्पैक्ट हम एक डेटा जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं इन टू थाउजेंड सिक्स के अंदर जो है ए टीम ऑफ द स्कॉल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर द डेवेलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च पब्लिश द फर्स्ट पेपर टू टेली फॉर द एंटायर वर्ल्ड ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द हाउस होल्ड वेल्थ एवरी थिंग फ्राम द फिनेंशियल एसेट्स एंड डेबिट टू लैंड होम्स एंड अदर टेंजिबल प्रॉपर्टी दो हजार छ के अंदर जो है हमारे पास एक रिपोर्ट आती है और जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ग्रोथ को कंट्रोल ना करने पर हमारे जितने भी प्लान हैं जो हमारे एस डी के प्लान हैं उनके टारगेट्स को अचीव करने में हमारे लिए प्रॉब्लम है और ये 2006 की जो रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारे प्लान्स जो कि हमने टेंजिबल बनाए हैं और हमने टारगेट्स किए हैं कि जी हमने ज़ीरो अंगर करने के लिए ये का स्टेप लेना है हमने उसके बाद इनिक्वालिटी के लिए ये लेना है हमने इसको लिए हेल्थ के लिए ये लेना है वैक्सीन के लिए ये लेना है अब उसके टारगेट्स कैसे अचीव नहीं होते मैं उसको एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ भाई हम फर्ज करें हमने लास्ट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फूड की बात की लास्ट पॉइंट के अंदर हमने फूड की बात की मैं थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे अंदाज होती है देखिए हमने वैक्सीनेट बच्चों को ले वैक्सीनेशन करनी है बच्चों के लिए हमारी प्लानिंग ये है कि किसी एक कंट्री में एक्स वाई सी किसी एक कंट्री का नाम ले लें हम नाम नहीं लेना चाहते जनरल बात कर रहे हैं किसी एक्स कंट्री की बात करें या वाई कंट्री की बात करें डेवलपिंग कंट्री ने किसी डेवलप्ड कंट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए एक प्लान बनाया और उस प्लान में ये था कि अगले दो सालों में या तीन सालों में या एक साल के अंदर इस मुल्क के अंदर एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो थ्री हंड्रेड थाउजेंड है था। 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 सेम एक मैं वैसे फिगर बोल रहा हूँ अब डेवलप्ड कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री के साथ अलाइनमेंट करते हुए उसके लिए जो वैक्सीनेशन तैयार की जो वैक्सीन तैयार की मदर की प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की बर्थ तर, और बच्चे की बर्थ से लेकर उसकी मुख्तलिफ डिससेबिलिटीज को कंट्रोल करने के लिए अब देखिए ये छोटा प्लान नहीं है अब इस प्लान में उसने टारगेट किया टू समा थ्री हंड्रेड थाउजेंड को अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो एक्चुअल बर्थ रेट था वो था थ्री सिक्सटी थाउजेंड अब आप देखें कि कैसे उसके ऊपर हो गया अब इसका मतलब ये है कि एक एस की प्लानिंग के मुताबिक एक कंट्री जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी के तहत एक डेवलपिंग कंट्री को उसकी वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए प्लान भी कर चुका है उस प्लानिंग के मुताबिक उसने प्रिपरेशन भी कर दी है अब उस प्रिपरेशन के अंदर ये जो हमारा सिक्सटी थाउजेंड का जो गैप आ गया है अब देखिए उसके तमाम टारगेट्स को वह असरअंदाज करें और वो कैसे करेगा हमने कहा कि हम डिसेबिलिटी को कंट्रोल करेंगे अब सिक्सटी थाउजेंड के लिए तो वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है हमने कहा कि बच्चे के बर्थ रेट के ऊपर उसकी डेथ रेट को कंट्रोल करेंगे जब मदर को प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं थी तो डेथ रेट कैसे कंट्रोल होगा डिसेबिलिटी कैसे कंट्रोल होगी हमारा जो हमने कहा हेल्थी सोसाइटी की हम बात करते हैं वो कैसे कंट्रोल होगा इस मिसाल एग्जाम्पल देने का मकसद ये था आपको ये समझाना था कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो हमारी प्लानिंग के साथ कैसे अलाइन है अगर हम उसको नहीं कर सकते तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और यही रिसर्च जो है हमारे पास बेस्ड ऑन द टू थाउजेंड डाटा फाउंड दैट द रिचेस्ट वन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड एडल्ट पॉपुलेशन इंडिविजुअल वर्थ एट लीस्ट फाइव फिफ्टी फाइव टीवर फाइव वन टू ओम थर्टी पॉइंट एंड वन वाइव फाइव जीरो ट्वेंटी वर्ल्ड अब दूसरी तरफ आप एग्जाम्पल आएंगे वेल्थ की तरफ देखें पहले हमने पॉपुलेशन की बात की और मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्लानिंग के साथ अब पॉपुलेशन की ग्रोथ को हमने एग्ज़ाम्पल दी कि हमने हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक वायबिलिटी हम दोबारा वहाँ पे जाते हैं हमने बात की थी इकोनॉमिक वायबिलिटी अब अगर हम उसको वो जो हमने कहा था कि 10 परसेंट लोगों के पास 40 परसेंट वेल्थ है अब अगर हम इसको भी नहीं कंट्रोल कर सकते अगर हमारी पापुलेशन ग्रोथ हमारे प्लान के मुताबिक अलाय नहीं है तो इसका मतलब है कि ये अनबैलेंस और ये अनबैलेंस जो है हमारे टारगेट्स अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट